टेंथ क्लास आपकी ग्रामर का लास्ट पार्ट सी पार्ट है पेज नंबर सेवेंटी फोर पर आपको गिवन है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंसेज आपको ये गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेज कौन से होते हैं एक आपको यहाँ ये जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और उसी की आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज टू स्पैक्यूलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन द फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस और फिर उसमें से फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बात है या तो वो प्रेजेंट में हो रही है या फिर वो फ़्यूचर में होगी ठीक है इसमें कंडीशन है तो सबसे पहले तो इसमें इफ़ यूज़ किया जाता है इफ़ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ठीक है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ये यूज़ करेंगे अब मैं मज़ीद आपको बताऊँगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं फिर उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और उसके बाद हम इस पर आएंगे तो टेंथ क्लास देखें कंडिशनल सेंटेंस की आपको डेफिनेशन दी हुई है कि अकंडिशनल सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन अकरिंग कंडिशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन टू एक्सप्रेस द सेट कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस वो कहते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिस जो के बयान करती हैं किसी भी चीज़ की कंडीशन को जो कि वाक्य हो रही होती है ठीक है और ये मेड अप इसके ना टाइप्स मतलब जो उसका फार्मूला है उसमें क्या होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक जो है ना वो डिपेंडेंट होती है उन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज़ फॉर फ्यूचर एक्शंस डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ एन अदर फ्यूचर एक्शन के फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस क्या होता है फ्यूचर एक्शंस के पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ एन अदर फ्यूचर एक्शन यानी कि एक फ्यूचर जो है वो दूसरे फ्यूचर एक्शन पर डिपेंड करता है वेयर देअर इज आ रिजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन फॉर द एक्शन बींग सेटिस्फाइड िटी डेट आ सिचुएशन विल अकर्ड और वुड है सर्टेन सरकमस्टांसिस ठीक है कंडिशनल सेंटेंसिस की कितने टाइप्स होती हैं फोर डिफरेंट टाइप्स हैं हर टाइप जो है वो एक्सप्रेस करती है डिफरेंट सिचुएशन को टेंथ क्लास आपको मैंने बताया कि इसकी फोर काइंडस होती हैं तो देखें फर्स्ट है जीरो कंडीशनल सेकेंड है फर्स्ट कंडीशनल थर्ड है आपकी सेकेंड कंडीशनल और फोर्थ है आपकी थर्ड कंडीशनल तो ये इसकी फोर काइंडस होती हैं आप यहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं क्लास ये आपको स्क्रीन पे जो है कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट का जो है ना फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं उसके बाद प्रेजेंट या फिर सिंपल टेंस आता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस आ जाता है ठीक है तो ये देखें इसका फार्मूला है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम तो क्या हो गया फर्स्ट जो है ये सिंपल में आ गया और सेकंड पार्ट जो है ये आपका फ्यूचर में आ गया इस तरह से कंडीशनल uh, सेंटेंसेस जो है ना सॉल्व किए जाते हैं टेंथ क्लास इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट है आपका इफ़ यू डैश बैक लेट आई डैश एंग्री आपको मैंने बताया था कि इसके फर्स्ट इसके जो फार्मूला होता है उसमें आपने देखा है कि एक पोर्शन उसका प्रेजेंट में जाता है और दूसरा फ्यूचर टेंस में जा रहा होता है तो देखें फर्स्ट है इफ़ यू गेट बैक लेट आई शेल बी एंग्री शेल अब आप कहेंगे कि बी क्यों लगाया तो ये एक किस्म का एक पैसे फॉर्म में ही बात हो रही होती है और सेकेंड देखें इफ़ वी डैश हेयर इफ़ वी वेट हेयर वी शेल बी लेट थर्ड है आपका इफ़ वी डैश ऑन हॉलीडे दिस समर इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश टू जियारत वी शेल गो टू जियारत फोर्थ है इफ़ द वेदर डैश डज नॉट इम्प्रूव वी शेल नॉट हैव अ पिकनिक फिफ्थ है आपके पास दे डैश टू द पार्टी दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे डैश इफ दे आर इन्वाइटिड तो आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है अल्लाह हाफिज